वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। सभी को नमस्कार, आप सभी का रीजनिंग क्लास में स्वागत है। तो हमें डेली हमेशा की तरह तो हम अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। क्वेश्चन नंबर एक हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर एक दिया है मिसिंग नंबर से, ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे क्या आएगा। तो हमें दे रखा है पहले 3 15 और 4 दिया है, 7 38 5 दिया है, 3 क्वेश्चन मार्क 5 दिया है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर 3 और 4 दिया है, 3 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 3 × 4 क्या आता है, 12 आता है। और 12 में मैं 3 ऐड करता हूँ तो मेरा किसके बराबर आता है, 15 के बराबर आता है, ठीक है, जो बीच में दिया हुआ है। अगर मैं 7 और 5 को ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 35 आएगा, और 35 में 3 ऐड करते हैं तो 38 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यही लॉजिक इस पे भी होना चाहिए, 3 × 5 करेंगे तो हमारा 15 आएगा, और 15 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा 18 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सीरीज का, अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन आया है। और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो इनके अल्फाबेट्स हैं जितने भी हैं ये हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, एक बार फिर से करते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 है। देखो 16 में क्या होता है, 16 में क्या होता है, 16 में हमारे पैर बनते हैं 4 के और 8 के, 99% केसेस में हमारे पैर 4 के बनते हैं। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको 4 4 में डिवाइड करते हैं। अगर हमारे 15 होता तो हमारे कितने पैर बनते, 3 के और 5 के पैर बनते हमारे, ठीक है। 18 होता तो हमारे 3 के बनते, 6 के बनते और 9 के पैर बनते। अगर हमारा 12 होता तो हमारे 3 के और 4 के, 3 के या फिर 4 के पैर बनते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, 16 है, 16 में 4 के और 8 के पैर बनते हैं, 99। अगर 16 आता है तो 99% केसेस में क्या होता है, 4 के पैर बनते हैं। हम यहाँ पे 4 के पैर बना के देखते हैं, 1 2 3 4 लाइन, 1 2 3 4 फिर लाइन, 1 2 3 3 के बाद 4 फिर लाइन, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे एम ओ पी आया हुआ ना, एम ओ पी, यहाँ पे भी एम ओ है, यहाँ पे भी एम ओ आना चाहिए, एम ओ, यहाँ पे भी एम ओ है, यहाँ भी एम ओ है, एम ओ पी खाली, एम ओ पी यहाँ पे खाली था यहाँ पे, यानी तो मैं यहाँ पे एन पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में जैसे एन है तो यहाँ पे भी लास्ट में भी एन आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन की सीरीज बन रही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग एम एन पी हमारा आंसर आएगा, एम एन पी एम ओ एन, ये इसका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है, एम एन पी एम ओ एन, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द ओड वन आउट। हमें क्या दिया हुआ है, हमें गेम्स दिए हुए हैं गोल्फ का, क्रिकेट का, हॉकी का और कैरम का। तो इसमें हमें बताना है कि ओड कौन सा है, ठीक है, गोल्फ है, क्रिकेट है, हॉकी है, ठीक है। तो इसमें और एक कैरम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैरम, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैरम, क्योंकि ये एक इंडोर गेम है और जो बाकी 3 गेम हमें दिए हुए हैं ये क्या है, हमारे आउटडोर गेम होते हैं। तो इसका आंसर हमारा ये कैरम हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, मिसिंग नंबर से ही है ये वाला क्वेश्चन भी। इसमें देखते हैं कि ये बड़ी बड़ी संख्याएं यहाँ पे आ रही हैं, तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं मिसिंग नंबर वाले, या तो ये रो के हिसाब से बनते हैं या हमारे ये कॉलम के हिसाब से बनते हैं। तो यहाँ बड़ी संख्या ये आ रही है, तो यानी कि इनमें कुछ ना कुछ करके ये हमने ये 840 आता है, इनको एडजस्ट करके कहीं ना कहीं जोड़ के घटा के गुना करके स्क्वेयर करके ये आ सकता है, और यही ऐसे ही इससे आएगा। तो हमें ये देखना है कि ये 840 है, ये कैसे आया है, स्क्वेयर से आया, क्यूब से आया, जोड़ से आया, गुना से आया है। तो पहले हम इनकी गुना करके देखते हैं, इनकी गुना करते हैं, 15 8 120 होता है, और 120 में 7 गुना करते हैं,
120 में 7 गुना करते हैं, 12 सत्ते 84, 840 आ रहा है, ये तो सिंपली गुना ही है। ठीक है, इसकी गुना क्या हो जाएगी 99, और 99 की गुना 6 से करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 9 6 54, 5, 9 6 54 और 5 59। ठीक है, गुना है तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी 7 की 12 की और जो क्वेश्चन मार्क है इसकी हम गुना करेंगे, और ये किसके बराबर आना चाहिए 420 के, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आ जाएगा 420, और जो ये गुना में थे तो गुना वाले बराबर का निशान के साइड में जाते हैं तो ये भाग में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे तो 7 6 42 होता है 0, और 12 5 60 आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 5 आएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा आना चाहिए 5। ठीक है, तो इसका आंसर है 5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हमें बताना है फाइंड फाइंड द ओड वन आउट। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कि ओड वन ओड कौन सा है 4 ऑप्शंस में। तो ऑप्शन ए में 65 80 दिया है, ऑप्शन बी में 62 78 दिया है, ऑप्शन सी में 50 66 दिया है, 53 और 69 69 दिया है। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारा 15 आता है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो 16 आता है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो भी 16 आता है, और इन दोनों को भी माइनस करते हैं तो भी हमारा 16 आएगा। ठीक है, तो ओड कौन सा हो जाएगा, ये वाला जिसमें ये 15 का डिफरेंस है, ये वाला ओड हो जाएगा क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं, ये 16 16, तो ये एक जैसे हैं, सेम है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, फाइंड द ओड वन आउट का ही ये क्वेश्चन है, हमें बताना है टेबल चेयर बेंच और कपबोर्ड में ओड कौन सा है। अगर हम देखते हैं कपबोर्ड भी चेयर भी बेंच भी और टेबल भी, ये सब क्या है फर्नीचर है, बट क्या है टेबल पे हम बैठ सकते हैं, चेयर पे हम बैठ सकते हैं और बेंच पे हम बैठ सकते हैं, कपबोर्ड पे क्या है, कपबोर्ड तो क्या होता है हमारी अलमीरा होती है ना, अलमीरा को बोलते हैं अलमारी को, तो इस पे तो हम नहीं बैठ सकते, इसमें तो हम क्या करते हैं कपड़े रखते हैं, इन पे हम बैठ सकते हैं, टेबल पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं और बेंच पे भी बैठ सकते हैं, बट कपबोर्ड में हम क्या करते हैं, इनके अंदर हम कपड़े रखते हैं, इनके अंदर हम कुछ नहीं रख सकते, इसके अंदर हम कपड़े रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ओड इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, फाइंड द ओड वन आउट। ओड वन आउट बताना है हमें 37 43 53 और 60। 37 प्राइम नंबर है जी, 43 प्राइम नंबर है जी, 53 भी प्राइम नंबर है जी, और ये क्या है एक हमें इवन नंबर दिया हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन 8 में दिया है विच वन इज इनकरेक्ट, जो ये सीरीज हमें दी हुई है इसमें से हमें ये बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, ये मैं 6 में कितना ऐड करूँ कि 17 आ जाए, 6 में मैं 7 ऐड करूँगा। ठीक है, कितना ऐड होगा 6 में 7 ऐड होगा, 6 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 13 आ जाएगा। नेक्स्ट 13 में हम कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 18 आएगा, 18 में हम 7 ऐड करेंगे, 25 आएगा, 25 में हम 5 ऐड करेंगे, 30 आएगा, 30 में हम 7 ऐड करेंगे, 37 आएगा। ठीक है, ये सीरीज चल रही है, 5 ऐड करना है, 37 में 5 ऐड करते हैं तो क्या आता है 42 आता है, बट यहाँ पे क्या दिया है 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 40 की जगह क्या आना चाहिए 42 आना चाहिए, तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 40, यहाँ पे क्या आना चाहिए था 42, 40 गलत दिया है हमें, इनकरेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं विच वन इज इनकरेक्ट, ये कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा हमें ये बताना है, सीरीज दी हुई है, तो कोई आइडिया लगा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, कोशिश कीजिए। चलो मैं बता देता हूँ, वैसे आपने वीडियो पॉज करके कोशिश की है तो अच्छी बात है, अगर जिसका हो गया फिर भी मैं बता देता हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 36 आता है, 6 गुना 6 क्या आता है 36 आता है। ठीक है, अब 36 है, इसमें 3 और 6 हैं, अगर मैं 3 और 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है
18 आता है, ठीक है। अब ये 18 आया तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 8 आता है, ठीक है। क्या आता है, 1 और 8 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 8। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन में भी यही वन विच वन इज करेक्ट गलत लिखा हुआ है, ये हमें क्वेश्चन मार्क पे की जगह पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन बनेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इनकी नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले तो 3 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 5, 11, ये 9 है, ये हमारा 15 है, और ये हमारा 13 है, ठीक है। तो इसमें -2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, -2 सभी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा 21 होता है, ये हमारा 19 होता है, -2 है, ठीक है, हो सकता है आंसर। ये 17 होता है, और ये क्या होता है हमारा, -19 होता है, यहाँ +2 दिया हुआ है, -2 आना चाहिए, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है मेरा 15 है, और ये क्या है 17, यहाँ भी +2 दिया हुआ है, -19 होता है, -17 होता है, यहाँ -2 हो सकता है, यानी कि हमारे ऑप्शन क्या हो सकते हैं, या तो ए होगा या डी ऑप्शन होगा। तो सीक्वेंस देखते हैं, ये है मेरा 3 में 4 ऐड कर दिया, 7 आएगा, 7 में 4 ऐड कर दिया, 11 आएगा, 11 में 4 ऐड कर दिया, 15 आएगा, ठीक है, 15 में 4, एक एक का गैप भी है, 15 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा यहाँ पे, है ना। और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी देना था उनको। अब यहाँ देखते हैं, 1 में 4 ऐड किया 5, 5 में 4 ऐड किया 9, 9 में 13, 13 और 4 17 आएगा, ठीक है। 19 और 17, 19 में क्या आता है, 19 पे आता है हमारा एस, और 17 पे क्या आता है क्यू, एस और क्यू कौन से ऑप्शन में दिया हुआ, डी ऑप्शन में दिया हुआ, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों की आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो जिसको अच्छी क्लास लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कोई सजेशन आपको हमें देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए, जय हिंद, जय भारत।